ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 18 अप्रैल 2019 गुरुवार का दिन है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। व्रत की पूर्णिमा रहेगी। रेणुका चतुर्दशी का महापर्व इस दिन मनाया जाएगा। साथ ही हाटकेश्वर जयंती भी इस दिन रहेगी। हस्त नामक नक्षत्र एवं कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल ग्रह वृषभ राशि में, बुध मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र ग्रह मीन राशि में, शनिदेव धनु राशि में, राहु मिथुन राशि में एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार इन 4 राशि वालों को होगा रहस्यमयी और गुप्त फायदा। ये 4 राशियाँ हैं सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बिजनेस में या कार्य क्षेत्र में किसी नई चीज पर आपका ध्यान रहेगा, मेहनत से फायदा मिलेगा, समय आपका पार्टनर के साथ व्यतीत होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, पैसों की स्थिति में सुधार लाने की पूरी कोशिश भी आप करेंगे और सफल भी हो जाएंगे, धन लाभ होगा, सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, पार्टनर के साथ पूरी बात शेयर करें, दोस्तों से सलाह लें, आपकी कार्यकुशलता भी बढ़ सकती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, थकान भी मिटेगी। और उपाय के रूप में तांबे के लोटे से यदि कोई भी फूलदार पेड़ में पानी आप चढ़ाएंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके ज़्यादातर काम अचानक पूरे होंगे, कुछ रुके हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे, स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, घर परिवार और नौकरी धंधे की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अपना ध्यान अपने महत्व के काम काज पर ही रखें। कोई खास मीटिंग आपकी होगी, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके ज़्यादातर फैसले सही रहेंगे। आज आपकी सेहत भी पहले से सामान्य रहेगी, पेट के रोग जो अभी तक चले आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। माता लक्ष्मी जी को यदि आप हल्दी चढ़ाएंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कोई पुरानी बात आपको परेशान कर सकती है, आर्थिक तंगी के कारण आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, उम्मीद से ज़्यादा खर्च होने से आप परेशान हो जाएंगे, नकारात्मक विचारों से दूर रहे, धैर्य रखें, आपके कुछ काम पूरे नहीं हो पाए तो टेंशन ना ले, बहुत से मामलों में आप खुद पर कंट्रोल कर लेंगे, आपके पास पैसा कम ही टिकेगा, पार्टनर के लिए कोई महंगा उपहार भी आप खरीद सकते हैं, साथ ही सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा, पुराने रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप एक लौंग खाते हैं तो दिन आपका शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। समय आपके साथ है, पैसों के किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने में कोई अधिकारी या बड़ा व्यक्ति आपकी मदद भी कर सकता है, दोस्तों की मदद से आपको फायदा होगा, कोई बड़ा फैसला लेना है तो सोच विचार कर ही काम करें, लोगों की राय गौर से सुने, यात्रा पर जाने का प्रोग्राम है तो खुशी खुशी जाए, आपकी यात्रा सुखद और सफल रहेगी। किसी बुजुर्ग की सेहत के कारण आपकी थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, खुद की सेहत का भी ध्यान रखें। और उपाय के रूप में घर या ऑफिस में, मंदिर में यदि आप पीला फूल चढ़ा देंगे तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है, कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा, सफलता भी मिलेगी, नौकरी के नए अवसर या प्रगति के कुछ मौके आपको मिल सकते हैं, आपके कामकाज पर आपके उच्चाधिकारियों या फिर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नज़र रहेगी, कार्यक्षेत्र में उम्मीद से ज़्यादा सफलता आपको मिल सकती है, आज आपको अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है, बहुत से लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे, सम्मान और सहयोग देना जरूरी है, अपने मन का डर या जरूरी बातें पार्टनर से शेयर करें, सेहत के मामलों को लेकर के आप सावधान रहेंगे, किसी भी मंदिर में यदि शुद्ध घी का दान आप करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और व्यापार या अन्य कार्य करने वाले लोगों को उन्नति प्राप्त होने वाली है। आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, नौकरी धंधे की चिंता समाप्त हो जाएगी, रोजगार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, रोजमर्रा के कामों में सफलता मिलेगी। आज आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ अच्छी प्रकार से निभा भी लेंगे। अपने कामकाज पर बारीकी से ध्यान दें, कोई छोटी सी चीज आगे जाकर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, कोई बात आपको खुश भी कर सकती है। पार्टनर के साथ आपका समय व्यतीत होगा, पार्टनर आपकी भावनाओं को सम्मान देगा। सेहत के मामले पहले से अच्छे हो जाएंगे, अर्थात आपकी सेहत में सुधार होगा, पुराने रोग आपके समाप्त हो सकते हैं। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप कच्चा दूध चढ़ा देंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कार्यस्थल पर किस्मत का साथ आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ काम कल पर आप टाल सकते हैं, बने बनाए काम थोड़े बिगड़ भी सकते हैं, विवादों का सामना आपको करना पड़ेगा। आज आपको कोई नया काम भी शुरू नहीं करना चाहिए, जरूरी काम टाल भी सकते हैं, कुछ गंभीर मामले आपके सामने आ सकते हैं, व्यापारिक सौदे आपके फेवर में नहीं रहेंगे, पारिवारिक सहयोग थोड़ा कम मिल पाएगा, ज्यादातर काम या तो कल पर आप टाल दे या फिर किसी कारण से अपने आप ही टल जाएंगे। और उपाय के रूप में माँ दुर्गा का ध्यान करके उनको प्रणाम करके यदि आप घर से निकलते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध रहेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है और व्यावसायिक यात्रा आपकी होने वाली है, रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होंगे, कामकाज और नौकरी धंधे के मामलों में प्रगति होगी, आप खुश रहेंगे, मेहनत अच्छी रहेगी, सफलता भी मिलेगी, प्रेमी का मूड ठीक रहेगा, अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त होगा, पार्टनर से सहयोग और सफलता प्राप्त होगी, पुरानी समस्या आपकी सुलझ सकती है, कोई जरूरी फैसला जीवन साथी को बताकर ही करें तो फायदा होगा, जोड़ों के दर्द या मौसम की बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। और उपाय के रूप में हरा धनिया यदि आप भोजन के साथ प्रयोग करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आप खुश रहेंगे, दिमाग में कई तरह के विचार भी आ सकते हैं, कामकाज से जुड़े नए आइडियाज आ सकते हैं, बिजनेस में नए एग्रीमेंट होंगे जिनका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, आज आपको कुछ रोचक अवसर भी मिलेंगे, बनाई गई कुछ योजनाएं भी पूरी हो सकती है, सुख सुविधा का फायदा मिलेगा, पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और उपाय के रूप में थोड़ी सी शहद खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आपको किसी तरह की गलतफहमी भी हो सकती है, आपको हर काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बोलते समय ध्यान रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, विरोधी प्रबल रहेंगे, हो सकता है आज किए गए कामों से आने वाले दिनों में आप परेशान हो सकते हैं, आज बिजनेस और नौकरी में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आज आप अपनी बातों से आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही कुछ ऐसे लोग आपको परेशान कर सकते हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं या फिर आपको अपना शत्रु मानते हैं, उनसे आपको बचकर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और उपाय के रूप में तांबे के लोटे से यदि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। परिवार और कार्यस्थल पर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, आज आप कोई नया फैसला लेने से बचे, साथ ही मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा, थोड़ी परेशानी वाला दिन भी हो सकता है, उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, जो सोच रखा है उन कामों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें, पेट संबंधी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। और उपाय के रूप में सोप और मिश्री यदि मिलाकर आप खाएंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। बिजनेस या कार्यक्षेत्र की टेंशन आपकी दूर हो सकती है, साथ ही आप कोई भी निवेश यदि करने जा रहे हैं तो सोच समझकर करें, उसका फायदा आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, अचानक आपको धन लाभ हो सकता है या कोई अच्छी खबर या बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे, आज आपको मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त होगा, पार्टनर आपकी भावना समझेगा, दिन अच्छा रहेगा, जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, बिजनेस
बिजनेस को लेकर या कार्यक्षेत्र को लेकर जो आपकी परेशानी अभी तक चल रही है वह समाप्त हो जाएगी। आर्थिक समस्या का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई नया मित्र या नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो अचानक आपकी मदद करने के लिए तैयार भी रहेगा और पुराने रुके हुए काम या उलझे हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में यदि आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।